अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, हम आपको अपने चैनल क्लिक टीवी पे खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़, जिसमें हम आपको बताएंगे कि लाहौर कलंदर ने अपने कैप्टन को चेंज करने का फैसला कर लिया है और उनकी मैनेजमेंट के ज़ेरे नज़दीक तीन नाम ज़ेरे गौर हैं, जिनमें पहले नंबर पर हैं शहनशाह अफरीदी, दूसरे नंबर पर मोहम्मद हफीज़ हैं और तीसरे नंबर पर हारिस रऊफ का नाम लिया जा रहा है। अगर आप इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन की वजह से देखें तो आपको शहनशाह अफरीदी पहले नंबर पर नज़र आते हैं और मोहम्मद हफीज़ दूसरे नंबर पर कैप्टन बनने के लिए नज़र आते हैं और हारिस रऊफ तीसरे नंबर पर। लगता है लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट इस दफ़ा शहनशाह अफरीदी को कैप्टन बनाएगी। अब अगर आप करंट सिचुएशन देखें और करंट परफॉर्मिंग देखें तो शहनशाह अफरीदी को कैप्टन बनना चाहिए और वो यंग प्लेयर भी है, टीम को आगे लेके चल भी सकता है। इस तरह वो पाकिस्तानी टीम में कैप्टन बनने के लायक भी हो जाएगा। इस वक्त शहनशाह अफरीदी बॉलरों में टॉप पे चल रहा है, टेस्ट में भी उसकी सबसे ज़्यादा 2021 में विकेट हैं। मुझे लगता है शहनशाह अफरीदी को बनना चाहिए। आपको इन तीनों में से कौन सा कैप्टन पसंद है जो, और आप क्या चाहते हैं, किसको कैप्टन बनना चाहिए, हमें अपनी राय से आगाह करें, हमें अपनी राय से आगाह करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को आगे शेयर भी करें ताकि हमारा हौसला बढ़े, हम आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाते रहें।